आज की वीडियो में आपको आलिया भट्ट के बारे में बताएंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं, पिछले कुछ समय से आलिया भट्ट और रणबीर कपूर के रिलेशनशिप को लेकर काफ़ी चर्चा है। कंगना रनावत भी इस पर बहुत दफ़ा बात कर चुकी हैं और उनका कहना है कि ये शादी एक फेक शादी है और इस शादी में दोनों एक दूसरे के साथ बिल्कुल भी खुश नहीं हैं। सिर्फ आलिया भट्ट की प्रेगनेंसी के कारण इस शादी को करना पड़ा और अब एक बार फिर से सबको लेकर काफ़ी चर्चा होने लगी है। आलिया भट्ट और नीतू कपूर के बारे में तो सब जानते हैं कि उन दोनों के बीच अच्छा बॉन्ड नहीं है और दोनों एक दूसरे के साथ ज़्यादा समय बिताना पसंद नहीं करती और ना ही एक दूसरे के साथ ज़्यादा मिलती हैं। वहीं बात अब आलिया भट्ट की होने लगी है। आलिया भट्ट और रणबीर कपूर का रिलेशनशिप काफ़ी नाजुक मोड़ पर आ चुका है और रिपोर्टेडली बताया जा रहा है कि आलिया भट्ट अपनी बेटी राहा कपूर के साथ फिलहाल रणबीर कपूर का घर छोड़कर जा चुकी हैं। आलिया भट्ट कहां पर हैं? मॉम डैड के घर पर हैं, किसी फिल्म की शूटिंग पर हैं या फिर कहीं बाहर वेकेशंस के लिए गई हैं, इस बारे में किसी को कुछ नहीं पता। लेकिन आलिया भट्ट अब रणबीर कपूर के साथ नहीं हैं काफ़ी समय से और दोनों के बीच काफ़ी ज़्यादा टेंशन का माहौल है। आलिया भट्ट की न्यू मूवी रिलीज़ हुई है जिसके प्रमोशंस पर आलिया और रणबीर दोनों को साथ देखा गया। दोनों ने कुछ ऐसे पोजेस भी मीडिया के सामने किए जैसे वो ये बताना चाहते हों, बल्कि वो ये शो कराना चाहते हों कि वो दोनों साथ हैं और खुश हैं। और सब ने ये बात बहुत नोटिस की क्योंकि किसी भी कपल को इस तरह का मोमेंट शो कराने की जरूरत नहीं होती है अगर वो साथ हो तो। रणबीर कपूर काफ़ी ओवर रिएक्ट कर रहे थे आलिया भट्ट के साथ, आलिया भट्ट भी काफ़ी ओवर रिएक्ट कर रही थी और अब दोनों के बीच ये खबरें आने लगी हैं कि दोनों साथ नहीं रहने चाहते या फिर और किसी रीज़न के कारण दोनों इस रिश्ते को आगे चलाना नहीं चाहते हैं। अब देखना यह है कि क्या बॉलीवुड के बहुत सारे और रिश्तों की तरह ये रिश्ता भी ख़त्म हो जाएगा या फिर दोनों इस रिश्ते के साथ आगे बढ़ पाएंगे, आने वाले समय में पता चल जाएगा। आपको क्या लगता है, आलिया भट्ट और रणबीर कपूर क्या मेड फॉर ईच अदर हैं या फिर दोनों के रिलेशनशिप में कुछ तनाव है और ये रिलेशनशिप भी बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा? हमें कमेंट्स में बताना ना भूलिएगा।